हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और होली आने वाली है और उसकी भी शुभकामनाएं। तो आज जो वैकेंसीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ये है L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग की वैकेंसीज़। और इसमें कुछ नई वैकेंसीज़ अपडेट हुई है, तो इन वैकेंसीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। और कुछ पुरानी वैकेंसीज़ भी हैं जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। तो L&T हाइड्रोकार्बन्स की इन वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी दूंगा, थोड़ा सा इसके प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो L&T हाइड्रोकार्बन में राजस्थान रिफाइनरी और राजस्थान गवर्नमेंट और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक जॉइंट वेंचर से एक नया रिफाइनरी लग रही है राजस्थान में। और इसके लिए कम से कम 25,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। तो इस वजह से इसमें कुछ नया रिक्रूटमेंट्स आया है। तो L&T हाइड्रोकार्बन्स की ये वेबसाइट्स है, यहाँ पर करंट ओपनिंग्स में मैं बताऊंगा आपको। L&T चियोड़ा में ओपनिंग है, ऑनशोर में है, ऑफशोर में है, ये सब वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो अब हम इन वैकेंसीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि यदि आपको जानकारी मिल पा रही है तो इसे सर्च करना और अपडेट करना थोड़ा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल्स। अब यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स की कुछ वैकेंसीज़ है और सीनियर डिज़ाइन सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसीज़ है। टोटल ओपनिंग्स 3 नंबर्स और ओपनिंग्स है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा सीनियर इंजीनियर्स की जो सैलरी पैकेज होता है, क्योंकि मैं भी L&T में इंजीनियर था, तो सीनियर इंजीनियर का पैकेज लगभग 45 से 50 हज़ार के बीच होता है। फिर उसके बाद इसमें 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। इसकी लोकेशन बड़ोदरा में रहेगी। और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो ये इसमें जो है आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, डेवलपिंग, PDS, PDMS, 3D मॉडलिंग, लेआउट, ड्राइंग, RC स्टील स्ट्रक्चर्स और सिविल स्ट्रक्चर आइटम, बिल ऑफ क्वांटिटी, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, ये सब के बारे में नॉलेज है। ठीक है, तो फिर उसके बाद दूसरी वैकेंसी इसके बारे में देखेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है मेरे इस मोबाइल में, तो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से देखते हैं। अब दूसरी जो वैकेंसीज़ है, ये मैकेनिकल स्टैटिक की वैकेंसीज़ है। मैकेनिकल स्टैटिक डिज़ाइनर्स के लिए टोटल 12 ओपनिंग है, काफ़ी बड़ा रिक्रूटमेंट है। सेल फंक्शन है डिज़ाइन फॉर स्टैटिक इक्विपमेंट्स, रिएक्टर, ड्रम, कॉलम्स, ये सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों, इसके डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक पर दे दी है, वहाँ पर आप जाकर और ज़्यादा जानकारी ले लेना, क्योंकि यदि मैं पूरी जानकारी देने जाऊँगा तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल्स में कुछ वैकेंसीज़ है। टोटल जो वैकेंसीज़ है 2 है, और इसका रोल जो रहेगा लीड इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशंस में लीड करना है आपको। और इसका जो एक्सपीरियंस है, काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस मांग रहा है, 13 से 23 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, और ये बड़ोदरा में है। ठीक है दोस्तों, इनके जो अप्लाई करना है दोस्तों, इनकी वेबसाइट्स पे अप्लाई का बटन है, वहाँ पर एक फॉर्म भरना पड़ेगा, भर दीजिए और करना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की एक वैकेंसी है लीड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। इसमें केवल एक ही ओपनिंग है, 15 से 18 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है, बड़ोदरा लोकेशंस रहेगी। प्लांट और पाइपिंग इंजीनियर्स के लिए दोस्तों, LTC, PP एडमिनिस्ट्रेटर, PDMS के लिए एक वैकेंसीज़ है, 2 ओपनिंग्स है, 5 से 10 ईयर बड़ोदरा के लिए वैकेंसीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लांट और पाइपिंग के लिए LTC, PP एरिया इंजीनियरिंग पाइपिंग और के लिए वैकेंसीज़ है। टोटल 4 वैकेंसीज़ है, 10 से 15 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है, और लोकेशन बड़ोदरा रहेगी। बड़ोदरा में काफ़ी सारे वैकेंसीज़ है इसको। और फिर उसके बाद प्रोसेस इंजीनियर की एक वैकेंसीज़ है, ग्रुप लीड के रोल में आपको करना है, 2 ओपनिंग्स है इसमें, 18 से 23 ईयर का एक्सपीरियंस ही, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रहेगा, मानकपुर SP विलेज, बड़ोदरा के लिए वैकेंसीज़ है। प्रोसेस इंजीनियर एरिया लीड के लिए वैकेंसीज़ है, टोटल 12 ओपनिंग्स है, 10 से 15 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, बड़ोदरा के लिए लोकेशन से। फिर प्लांट और पाइपिंग के लिए कुछ वैकेंसीज़ है, PP मॉडुलर डिज़ाइन पाइपिंग के लिए ये वैकेंसीज़ है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, ठीक है, इसमें डिप्लोमा मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं और परमानेंट जॉब रहेगी, टोटल 10 पोजीशंस इसमें है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद अगली जो वैकेंसीज़ आ रही है, ये प्रोसेस इंजीनियर रोल डिस्क्रिप्शंस पाइपिंग और इंस्ट्रूमेंटेशंस के लिए है।
फिर प्रोसेस इंजीनियर्स की एक वैकेंसीज़ है, इसको देख लेते हैं। प्रोसेस इंजीनियर्स की वैकेंसीज़, इसे डिप्लोमा केमिकल वाले अप्लाई करेंगे, 3 वैकेंसीज़ हैं, परमानेंट पोजीशन है, बड़ोदरा में लोकेशंस हैं। फिर उसके बाद प्लांट और पाइपिंग की एक और वैकेंसीज़ है, इसमें 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बी मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, और ये वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी है, डिप्टी इंजीनियर मैनेजर की वैकेंसीज़ हैं। फिर उसके बाद जो होता है बीटेक इलेक्ट्रिकल्स है, टोटल एक्सपीरियंस इसमें 11 से 15 साल के बीच का चाहिए है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर की एक वैकेंसीज़ है, तो इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर कंट्रोल मैनेजर की वैकेंसीज़ है, 7 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है, बीटेक मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, जॉब लोकेशन इसकी बड़ोदरा रहेगी, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद सिविल इंजीनियर्स की एक वैकेंसीज़ हैं, फिर उसके बाद सिविल इंजीनियर की टोटल 6 पोजीशंस है, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं सिविल के लिए, बड़ोदरा के लिए लोकेशंस है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद सिविल इंजीनियर डिज़ाइनर के लिए एक वैकेंसीज है, डिज़ाइन की वैकेंसीज़ के लिए डिप्लोमा सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, टोटल 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 पोजीशन है, परमानेंट जॉब है ये, और बड़ोदरा के लिए लोकेशंस रहेगी। तो लगभग काफ़ी सारी वैकेंसीज और इसमें आई है, तो इसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसे अप्लाई कर लेना। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।